Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. शर्मा जी कैसे? ये कितने का दिया? Excuse, मैं बेच नहीं रही हूँ। तुम एक सेकंड, तुम भूल गया? Valentine's month चल रहा है। Oh seriously? How sweet. एक दो। Happy Valentine. Excuse me. Happy Valentine. Thank you. मैं तुम्हारे लिए लाई थी। हाँ तो मैंने जिनके लिए लिया मैंने उनको दे दिया। तुमको क्या problem है? दो ही लेके आई, दो कम लेके आई हो। कुछ तो शर्म करो। Valentine's month चल रहा है। At least अब तो I love you बोल दो। I love you girls. Thank you and wish you all a very very Happy Valentine. अर्चना मैम, रोज डे, चॉकलेट डे सब आके चले गए। इस आदमी ने कुछ नहीं दिया मुझे। ऐसा तो इंडिपेंडेंस डे भी आके चला गया। तूने जाती थी मेरे को? मुझे कुछ नहीं सुना। तुम आज रात को मुझे डिनर पे लेके जाओगे। मुझे आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। बाहर जाओ, बाबूराव वड़ा पाव वाला है, मेरा नाम लेके दो वड़ा पाव खाओ। जाओ अभी के अभी। क्या ये अपना फूफा साथ में ले गया? पीछे बीच में Yes, आप क्या कह रही थी बहन जी? बहन जी, वड़ा पाव कौन खाता है? तू कितनी भी डाइटिंग कर ले, तुझे शो पे तो नहीं लेके जा रहे ना अक्षय कुमार। उसमें क्या है, वड़ा पाव खाओ, दिन रात खाओ। एक तो मुझे शर्मा जी बोलना बंद करो। जब खूबसूरत एक्ट्रेस है यहाँ पे आई हो, कॉल मी कैप्स, ओके? ओके, सो माय डियरेस्ट कैप्स, इतना रोमांटिक मंथ चल रहा है तो क्यों ना हम एक गोवा की ट्रिप प्लान कर लें? देख, हमारा तो वहाँ पे कुछ होना नहीं, तो जो गोवा पर रोमांस करेंगे उनका क्यों खराब करना? इधर बैठो आराम से, यहाँ पे भी वेदर अच्छा ही है। मतलब दुनिया में अगर अनरोमांटिक होने की डिग्री होती ना तो पीएचडी होल्डर होते। आपको पता है एफआरपी की हुई है इसने। व्हाट इज एफआरपी? फोर्सफुली रोमांटिक पर्सन। ये डिग्री है इसके पास। तुम्हारे अंदर से कभी थोड़ा सा प्यार निकलेगा? पहले अपने मम्मी पापा को बोलो मेरे घर से निकले। पाजी मैंने कहा लड़की एक जोड़ी में कपड़े में जाइए, एक जोड़ी को गलत समझ गई, माँ बाप की जोड़ी ले आइए। वो जा ही नहीं रही है, सारा परिवार ऐसा है इनका ना। वो कमरे का हमारा घर है, एक कमरे में इनकी माता ही सो रही है, दूसरे कमरे में पिताजी। हम कहाँ रोमांस करें? वॉशिंग मशीन में कहाँ जाए? मैं पाजी इसको पहली बार देखने गया ना, रोका नहीं होता, जो रोके पे इसकी बहनों ने मेरे जूते चुरा लिए। तो मैं क्या, ये तो बाद में शादी वाले दिन चुराते हैं। कहते नहीं, हर कोई आता है देख के चला जाता है, फिर रिप्लाई नहीं करते। हम अपनी रस्में कब पूरी कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, उस वक्त तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था अपनी सालियों के साथ। 5,000-5,000 तुम उन्हें शगुन दे रहे थे, तब अच्छा, तो कंप्लेन इसके डैडी को पता चला 5,000-5,000 शगुन दे रहा हूँ। इसका डैडी अंदर गया, शेरवानी बदल के घाघरा पहन के आ गया। ऐसे लोग हैं ये, वेरी बेइज्जती प्रूफ लोग। मतलब पापा मम्मी किसी को नहीं छोड़ोगे? मम्मी का तो मैंने बताया नहीं अभी। इसकी मम्मी डोली वाले दिन ना डोली वाली कार में बैठ गई, कहती बेटा अगले चौक पे चाहे उतार देना, मैं कभी डोली वाली कार में नहीं बैठी। इसके पिताजी मुझे पैदल लेके आए थे। ये हरकतें करते हैं ये लोग। ये सारी फालतू बातें याद है तुम्हें, असली बात याद नहीं है कि कब से मम्मी पापा तरस रहे कि एक बच्चे का मुंह देखिए। ओ पहले अपने बच्चे पैदा करने से तो फुर्सत मिले उनको। लिसन बिहेव, आपको पता पाजी लेटेस्ट बच्चा इसकी मम्मी ने 3 हफ्ते पहले पैदा किया है। 9 बच्चे ना इनके, 9 भाई बहन, 9 बच्चे। हाँ तो जैसे आम रेलगाड़ी का पास बनवाते हैं, इसकी माताजी ने डिलीवरी का पास बनाया हुआ है किसी भी हॉस्पिटल। हाँ? सब मुझे क्यों देख रहे? ऐसी बात नहीं है, ये बातें बनाता है और कुछ नहीं करता। उड़ लो जितना मर्जी उड़ना है ना उड़ लो, लेकिन एक बात याद रखना, पंछी कितना दूर भी उड़ ले ना वापस घूम के अपने घोंसले में ही आती है। अच्छा जी, तू मेरी फिक्र ना कर, मैं किसी के भी घोंसले में पीजी रह लूंगा, मेरी टेंशन मत लिया कर। अच्छा तो फिर ये बात है, ये बात इसकी बहुत अच्छी है, ये बड़ा एडजस्टिंग बंदा है ना। तो ठीक है, फिर आज रात से तुम उसी घोंसले में ना दाने चुग लेना, क्योंकि आज से तुम्हारा डिनर बंद। आप सब लोग जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, नीचे लोग बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं, पर जब से हमने ये सेगमेंट शुरू किया लोग और मजेदार कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। सोनम, यू वांट टू सिट हियर? या डू वन थिंग, यू आर बोथ कमिंग। No, that's okay, I'm good. No, no, you will not be able to see it. You won't be able to see it, it's there behind you. I can see. Okay. भेज आते हैं। हाँ जी, पिक्चर दिखाई दे रहा। पहला ही अच्छा, मुझे तो कह रहे थे MF हुसैन से बनवाया, ये कहाँ से बनवाया आपने? My mantra for today, गर्मी, humidity और fox for fur. सब चलेगा, बस काम कर। इतना हाथ टाइट मैं किधर नहीं देखा अंग्रेजी। ओके, आइए कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे।
ये इतना काम इसलिए कर रहे हैं ताकि उससे पैसे इकट्ठा करके गाड़ी में छत डलवा सके। वेरी बैड ह्यूमर जिसने भी लिखा है। अक्षय पाजी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, जाम में फंसे थे तो उसमें भी इन्होंने फोटोशूट करवा लिया। लगता है इन्हें मैप पे भरोसा नहीं है इसलिए ऊपर बैठ के देख रहे हैं किधर रास्ता खाली है। और दिखाइए पाजी फॉक्स की सी का FAUX व्हाट इज दैट? एक्स को प्रोनाउंस ही नहीं करते। फॉक्स फोफर 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 तो एक्स नाम नहीं लेना उसका, साइलेंट है वो। ऐसी जगह बैठ के बैलेंस बनाना सिर्फ अक्षय कुमार ही कर सकता है, मेरे तो 7 दिन तक दर्द रहा। और दिखाइए नोरा ने फोटो डाला है, नीचे कमेंट्स देखते आइए। मैं भी बचपन में जब स्कूल जाने में रोती थी तो मम्मी पापा और दीदी मिलके मुझे ऐसे ही तैयार करते थे। लड़कियां कितनी भी बिजी हो कैमरा देखते ही पोज दे देती हैं। ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। और आगे आगे बढ़ते हैं, दिशा ने फोटो डाला लुकिंग एट द एम्प्टी प्लेट बी लाइक। हाँ जी दिखाइए जरा कमेंट्स दिखाइए। इनको इनके डॉक्टर ने बोला था 2 फोटो खाने से पहले 2 फोटो खाने के बाद और सुबह सुबह खाली पेट एक सेल्फी लेते रहना। ऐसी लड़की रेस्टोरेंट में आके बैठ जाए तो बगल वाला कस्टमर वेटर को एक्स्ट्रा टिप देके जाता है। ये सोच रही है कि अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मेरी प्लेट में भी छोले भटूरे और मूंग दाल का हलवा होता। This is the best. That is good. और आगे दिखाइए, सोनम ने फोटो डाला है। Nice. बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू रानी फ्रॉम गोडे गोडे चा। मेरी सबसे छोटी मासी ऐसे आती थी हमारे घर। सीरियसली 90s में ना? हाँ, ये 90s से एक्चुअली। हाँ, ये कलर ऐसे सूट। आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं। ऐसी ही बहन जी हमारे यहाँ जनगणना की गिनती करने आई थी, पापा ने 8 में से 2 बच्चे छुपा दिए थे। आपकी प्रोफाइल पे बाकी फोटोज देखकर मेरी तरफ से तो हाँ थी ही, ये फोटो दिखा के मम्मी से भी हाँ करवा लेता हूँ। कौन है अभी? आगे दिखाइए। मेरे ससुराल वालों ने भी ऐसी फोटो दिखाकर मुझे फंसाया था, शादी के बाद पता चला वो सिर्फ फोटो में ही शांत दिख रही थी। माँ कसम बेसन का चिल्ला लग रही हो। और दिखाइए, मौनी ने फोटो डाला, ऑलवेज इन माई लेन माइंडिंग माई ओन बिजनेस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लड़कियों की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अजीब अजीब बेजान चीजों के गले लिपट जाती हैं और जो इनके लिए जान देने को तैयार है उनसे नहीं लिपटती। जिन लड़कों को लड़कियां हग नहीं करती वो ऐसे ही कार्टून बनके मॉल में खड़े रहते हैं ताकि लड़कियां हग करें। और नेक्स्ट, मौनी जी ज्यादा देर हग मत करना, सूखा पेड़ है आग पकड़ लेगा। ये बहुत अच्छा रिप्लाई किसी ने किया। बहुत अच्छा। नहीं भाई ध्यान से देखो, मौनी के पकड़ते ही इसके पत्ते हरे हो गए। हमारे पापा कहते थे कोई टाल नहीं सकता होनी को, जिंदा सूखे घूम रहे भूत पकड़ रहे मौनी को। वाह क्या शायर है। और दिखाइए, अक्षय पाजी डाला, 2 imperfect पीपल वो हैव परफेक्टली बीन स्टक टुगेदर सिंस 22 years, हैप्पी एनिवर्सरी। सच ए ब्यूटीफुल पिक्चर पाजी। आइए नीचे कमेंट्स दिखाइए। सर आप 22 साल बोल रहे हैं लेकिन लगता है 5 साल ही हुए हैं, मेरी तो 3 साल हुए हैं और लगता है 30 साल हो गए। कोई होगा दुखी बेचारा, शादी के 22 साल बाद भी हंस रहे हैं, सच में कमाल के एक्टर हैं। और दिखाइए, मैं भी पत्नी के साथ ऐसी फोटो खिंचवाना चाहता हूं लेकिन हम 2 मिनट भी बैठ जाते हैं तो कलेश हो जाता है। किसी ने रिप्लाई किया है, अपनी वाली के साथ बैठा कर। मैं और मेरी बीवी ऐसे ही हंसते हंसते फोटो खिंचा रहे थे, फिर उसने हीरे की अंगूठी मांगकर सारी फोटो खराब कर दी। और दिखाइए, मोरा अगेन, द कैटेगरी इज ग्लैम। ओफ यू बेटचा, दिखाइए गॉड। ये किसका तंबू उखाड़ लाई आप? तंबू स्टेंट। मुझे समझ नहीं आ रहा, टेलर ड्रेस बनाना चाह रहा था या रजाई। ऐसी ड्रेस किसी इवेंट में पहन लो तो 1 टिकट पे चुपचाप 5 लोग घुस सकते हैं।
ऐसी ड्रेस का एक और फायदा है, पुरानी हो जाए तो कार ढकने के काम आ सकती है। और दिखाइए, दिशा ने फोटो डाला है, सी प्लेन के साथ फोटो डाला है, बहुत अच्छा। आइए देखते हैं कमेंट्स। कुछ वक्त इंडिया में बिताने के बाद दिशा पटानी अपने गांव मालदीव्स लौटती हुई। लगता है दिशा ने प्लेन की चेन खींच दी थी, इसलिए ये बीच पर ही उतर गया। मैडम पीछे वाला दरवाजा खुला है, वहां से घुस जाओ, ये नहीं खुलेगा, ये पायलट का है, पता है हमें। हमें लड़ पड़े ना आगे, हमको पता है। और दिखाइए, they notice such random things. सोनम ने फोटो डाला है, कैंसल ऑन हिम इफ इट डजंट लुक एट यू लाइक दैट। शेर बग्गा रिलीजिंग, एमी पाजी है ना। दिखाइए कमेंट्स, ये असली लड़का है या मैनी क्वीन है? ऐसा कैसे हो सकता है कि सोनम का ध्यान लड़के पर हो और उसका ध्यान सोनम पे ना हो? आदमी ऐसा ही होता है, पहले सोनम को देखता है, फिर सोनम मिल जाए तो किसी पूनम को देखता है, पूनम के चक्कर में जब सोनम चली जाए तो 10-10 के नोट पे लिखता है सोनम बेवफा है। और दिखाइए, सोनम ने अपनी कोल्ड कॉफी तो पी ली, अब लड़के से कह रही है आधा गिलास दे दे, तू मेरा भाई नहीं है। बच्चे करते थे ना। और दिखाइए, दिस वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिक एंड गुड फूड। आइए कॉमेंट्स दिखाइए। आगे का पढ़ना कौन सा, ये क्या लिखा है? वो हैशटैग वेजिटेरियन टर्किश मील। देखा, खाने पीने की चीजें झट से पढ़ लेते हो आप। वैसे कहती मेरे को दूर का दिखता नहीं है। मेरा बड़ा भाई भी खाने के साथ मैजिक करता है, मैं आंख बंद करता हूँ वो मेरा रसगुल्ला गायब कर देता है। ये तो आप हैं इसलिए अच्छी लग रही हैं, कोई लड़का होता तो सब बोलते पी के पड़ा है। बात ठीक है, फर्श को देखकर लग रहा है ये थोड़ी देर में नागिन बन जाएंगी। और दिखाइए, खत्म। दोस्तों दिशा जो है ये अभी इजाजत लेंगी यहां से, क्योंकि ये भी अक्षय पाजी की तरह बड़े काम पकड़े हुए इन्होंने, तो इन्होंने अभी फ्लाइट पकड़नी है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिशा, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ सेफ फ्लाइट। Thank you. Shukriya. Bye. Bye. Have fun. Have a good flight. Bye, love. Bye. Have a safe flight. Bye. 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 Hi. Hi. कैसे हैं आप? बस ठीक है. Thank you. Oh. Wow. Wow. कितना अच्छा लग रहा है। देखिए आज आप यहाँ 1, 2, 3 चार हो गई हैं और पांच हीरोइनों के साथ आए हैं। अरे अपने आप को भी मिलाना है तो 7 बोलना टोटल। शर्मा जी आपको जितना एक्स्ट्रा करना है कीजिए, लेकिन आप ये बात तो मान गए कि हम हीरोइन हैं। ये बात तो है। नोरा जी बहुत सुंदर हैं। कभी कभी आपको देखते हैं ना, हमें ऐसा लगता है जैसे हम आईने में देख रहे हैं। तो तेरी बातों से लग रहा है तूने आईना फिर कभी देखा ही नहीं। और आपकी बातों से लग रहा है जैसे आपने और कुछ नहीं देखा, आप सिर्फ हमें ही देखते हैं। हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हाँ, हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। और कपड़ा हम कमाल का धोते हैं एकदम। आप लोग अभी शो के लिए जा रहे हैं, न्यू जर्सी भी जाएंगे ना आप? आपको पता है वो पहला न्यू जर्सी नहीं था, पहला वो पुराना जर्सी था। उसको ऐसा धो धो के साफ करके न्यू जैसा बनाया हमने, तब जाके न्यू जर्सी हुआ है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।